अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुहम्मद आसिफ खिची, तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। और दोस्तों, मेरे पीछे तुसी देख रहे हो हताहत ट्रैक्टर। और आज आप 398 इनका रिव्यू करांगे, थानू इन्दे बारे मालूमात देने हैं कि ट्रैक्टर दे की फंक्शन ने और ये कित्थों का मेड है, यानी कि किस मुल्क का है। तो ये भाई हुरां इंपोर्ट कराया है, तो थानू परफॉर्मेंस भी दिखा सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो रिव्यू तो है, आप इनका रिव्यू करने हैं कि ट्रैक्टर किदां दा है। दोस्तों, इस टाइम आप ट्रैक्टर की राइट साइड से मौजूद हैं। राइट साइड की मुकम्मल ट्रैक्टर की लुक तुसी देख सकते हो। अज इस ट्रैक्टर की मुकम्मल मालूमात थानू देवांगे। वीडियो पूरी देखनी है, लास्ट तो फिर अपने कमेंट सैक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। 398 ट्रैक्टर है जी हताहत, और यह ट्रैक्टर मेड इन तुर्की है। और तुसी इस ट्रैक्टर को फिल वक्त पाकिस्तान दे विच देख रहे हो, चल रही है, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। हताहत ई लिफ्ट ई लिफ्ट के बारे भी अज थानू दसांगे कि ई लिफ्ट की है, और इनके बाकी भी फंक्शन अज थानू डिटेल नाल दसांगे। ये ट्रैक्टर जनाब 398 आपू 81 इनका इंजन 4 सिलेंडर है, और आपू 81 किलोवाट 110 हॉर्स पावर ये 2200 RPM दे छड़दा है। और इनका इंजन आपू 430 टारक ने इंजन दे जड़े आपू 1400 RPM 430 टारक दे छड़दा है। और इनका जड़ा मेन पंप तुसी देख रहे हो ना, ये डेल्फी का डीजल पंप जड़ा इनका डेल्फी का है, रोटरी पंप है, लेकिन अपग्रेड चीज़ है, अपग्रेड मॉडल है, अपग्रेड चीज़ है। डेल्फी का पंप लगा हुआ इन्हें रोटरी, और इन लिफ्ट ही पंप नहीं है, इन इलैक्ट्रिक मोटर लगी हुई है फिल्टर के नाल, ब्लैक जी नज़र जी आ रही लंबी जी इलैक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। लिफ्ट ही पंप इनका ए हैगा इलैक्ट्रिक मोटर, और इनू तुसी देख सकते हो टैंकी के भी थानू दो ढक्कन नज़र आ रहे होने ने, तो इन टैंकी के दो ही ढक्कन इतों डीजल डलद। फ्रंट टायर साइज है इनका जी 380/70R24 है जी इनका फ्रंट टायर साइज। पैटलस दे टायर डले हुए ने मेड इन तुर्की, यानी कि इनकी आल टू जैड एक एक चीज़ जी है ना इन तुर्की की डली हुई है। पिछला टायर है जी 480/70R34 TA110, और ये टायर भी पैटलस दे पाए हुए ने जनाब, पिछले टायर भी, और पिछले टायर के नाल एक साइड से 80 kg यानी कि 2 मन का वेट लग्या हुआ, उत्ते कंपनी की मोहर लगी हुई थी जी हताहत, और 80 kg यानी कि 2 मन बनता वजन जी, ये एक टायर के नाल मौजूद है। फ्रंट टायर फ्रंट तो अगर आप देखिए तो फ्रंट टायरों तो और बैक टायरों तो बाद फ्रंट लुक इनकी बड़ी दिलकश हैगी है, और सामने आपू एच हताहत का लोगो भी नज़र आ रही है। फ्रंट के वेट हैं वो जनाब गिन लीए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वेट इन अगे लगे हुए हैं। दोस्तों, एक प्लेट का वजन 40 kg है, यानी कि एक मन की एक प्लेट है, 14 मन इन वजन अगे है, यह भी वेट है, ठीक है ना। ये वेट इन उत्ते कोई देखने आप, लेकिन प्रिंट नहीं हुआ हुआ, लेकिन यह भी वेट तकरीबन कोई 3-4 मन वजन ये भी है। बाकी फ्रंट लुक जी है बड़ी प्यारी लगी है मैनू, संभली इनकी देख लो जनाब, फ्रंट संभली डिज़ाइन बड़ा अच्छा है संभली का, और ये अपनी लोकल चीज़ नहीं, हर चीज़ जी है ना एक अलग लुक देती है, एक अलग ही चीज़ है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है संभली इनकी। और ये संभली इनकी लगी हुई है मेड इन हिमा, यानी कि हिमा कंपनी की संभली इनू लगी हुई है, 4 व्हील की संभली जी है ना वो हिमा कंपनी की लगी हुई है। और हब्बा भी तुसी देखो तो हब्बा भी जड़िया ने वो जनाब बड़िया डबल हब्बा लगिया हुई ने, और 110 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, और 110 हॉर्स पावर तरह ही इनका सारा काम किया हुआ है। टैंकी के बारे थानू दस रहा है कि यह टैंकी के दो ढक्कन थानू नज़र आ रहे हैं, यह पैप जा रहे हैं जनाब इलैक्ट्रिक मोटर वाले, इलैक्ट्रिक मोटर ही लिफ्ट ही पंप वाला काम करती है। इन्हें तो प्लेटफॉर्म इनका काफ़ी चौड़ा है, उस तो बाद टैंकी जी है तकरीबन 120 लीटर की इनकी डीजल टैंक है। हूँ आप आ गए जी लैफ्ट साइड से, खब्बी साइड से, अगर आप ट्रैक्टर के अगे खलोइए ना तो आप खब्बी साइड से आ गए, तो खब्बी साइड तो अगर आप देखिए तो आप जनाब आप मरगाड़ मिल जाते हैं फ्रंट टायरों के उत्ते लगे हुए हैं, ठीक है।
ठीक हो गया जी, भी चिकड़ शिकर बार पिछे ना जाए। तो यह जो देखो जनाब ब्रेकों का क्या प्यारा सिस्टम है, इनका प्रैशर ब्रेक ने जनाब इस ट्रैक्टर दियाँ। और मज़े की गल ये है जी, ई लिफ्ट, ई लिफ्ट इनकी जड़ा लिफ्ट है ना वो जनाब है इलैक्ट्रिक लिफ्ट, इलैक्ट्रिक हाइड्रोलिक। और थानू असंबली के बारे दस रहा सी, तो असंबली इनकी जनाब हीमा कंपनी उत्ते मोहर लगी हुई, चिट लगी हुई है, तुम देख सकते हो। और असंबलियां थोड़ी जड़िया नज़र आ रही ने ना, ये जनाब हाइड्रोलिक दसंबरिया ने असंबलियां है, यानी कि ई हाइड्रोलिक इलैक्ट्रिक हाइड्रोलिक, कदे भी अपना हाइड्रोलिक टापा नहीं फटने वाला है। और दोस्तों यह जरा आयल टैंक है, ये थले जो पायदान उन्हें दिता हुआ ये आयल टैंक है, इनका जो हाइड्रोलिक का आयल है वो अलग है। और सामने फिल्टर भी नज़र आ रही है, और ये काम बड़ा चंगा किया हुआ है। और प्लेटफार्म तुम देखो कि अच्छा लग रहा, खूबसूरत लग रही है। इतो जनाब हाथ डालन वास्ते ड्राइवर बाइक चढ़न वास्ते बड़ा जबरदस्त अगे एक कुंडा जहा लग्या हुआ है, तो पिछे जनाब इंडीकेटर और लाइटा मरगाड़ जड़े ने तकरीबन अपने ही ट्रैक्टर तरह ने सेम। और कनोपी जी बड़ी तगड़ी लगी हुई है, अच्छी लगी हुई है। आप जनाब इन उत्ते आ गए ट्रैक्टर के, तो यह जनाब है इनकी डैशबोर्ड की लुक, और बहुत ही शानदार लुक है। और इनका जोड़ा मीटर है वह जनाब डिजिटल मीटर है, आर पी एम और सारिया जड़िया गेजा ने ना वो थानू आर पी एम डैशबोर्ड से इतने मिलनगियां जी। यह देखो जी, ये मीटर डिजिटल मीटर है, इस वास्ते कैमरे के तसली नाल नहीं आएगा, लेकिन आर पी एम गेज और आयल गेज टम्परेचर गेज सब कुछ इलैक्ट्रिक है। यह जोड़े बटन ने जनाब इनके लाइटा शाइटा वगैरह के आ जाते हैं। जनाब इनकी एक अच्छा इस थले जनाब आ जाइए तो अपन सब तो पहले मिल जाता है जी इंडीकेटर विसल लाइटा वगैरह, यह इनका मेन स्विच है। और इनके हीटर भी है, बाकी भी ट्रैक्टर के होंगे हीटर प्लग लगे होंगे। तो बाकी जनाब काफ़ी खुली अपन खुला प्लेटफॉर्म मिल जाता, सीट भी इनकी काफ़ी खुली हैगी, साइडा तो प्रोटैक्टर शील्डा लगिया हुई ने कि गर्मी जी थोड़ी गनी है भी वह भी ड्राइवर बाई वे ना आए। वैसे ये ट्रैक्टर इन्नी गर्मी करता भी नहीं, क्योंकि ये टर्बो प्लस इंटरकूलर है। अगर स्पीड की गल करिए, गेयर की गल करिए, तो मेन गेयर इनके तीन ने, तीन गेयर ने इनके, एक बैक थोड़ा नज़र आ रही है। और स्पीडा की गल करिए, तो इनके चार स्पीडा मिल जाए, हाई लो और फिर हाई लो। एक हाई लो का लीवर खड़ा है, दूसरे के आपू तीन गेयर मिल रहा सी, मिल रहा सी। यह भी यह जी स्टेयरिंग के कोल शटल गेयर खड़ा है ना, यह भी जनाब हाई लो है, यानी कि इस तरीके आपां नूं 12 फारवर्ड और तीन गेयर रिवर्स मिलते हैं, तीन गेयर रिवर्स और 12 फारवर्ड आपां नूं मिलते हैं। और यह जनाब इनका हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया, हाइड्रोलिक लीवर आ गया, यह नाल जनाब फोर व्हील टू व्हील का खड़ा है और लीवर। उस तो बाद जनाब पी टी ओ के लीवर आ जाते हैं, पी टी ओ की स्पीड इतों ही आप मुंतखब करनी है, इतों जनाब गे ओले लीवर तो लावना है। और पहले गेयर तो आप 540 और 500 1000 चक्कर और 540 चक्कर मुंतखब करने ने, जोड़े आप 540 चक्कर 1893 आर पी एम पर देगा और 1000 चक्कर 1900 आर पी एम पर यह ट्रैक्टर अपने पूरे कर जाता है। उस तो बाद उत्ते कनोपी तुसी देख सकते हो, कनोपी काफ़ी तगड़ी लगी हुई है और रेड कलर की ट्रैक्टर के नाल मैच की हुई, एंगल इनका जोड़ा काफ़ी मजबूत है। यह सिस्टम जोड़ा ये बेलर मशीन का है, इतने कुछ गेयर के बारे दसिया हुआ, समझाया हुआ, पैटर्नर बनया हुआ मरगाड़ के उत्ते बड़ा अच्छा किया हुआ। यह बटन ई लिफ्ट है, ई लिफ्ट तुसी जिथे हाइड्रोलिक नूं रोक दिता है उस तो बाद तुसी बटन तो कम लेना है, लैंकों का कम जोड़ा लेना है वह बटन तो लेना है, बटन न इतों हाइड्रोलिक तुम बन देना है, उस तो बाद बटन तो कम लेना है, हाइड्रोलिक चुकना और थले सटना, जो थलो थले सटोगे तो हाइड्रोलिक ना उत्ते जाएगा ना थले जाएगा, आपकी पोजिशन जाके रुक जाएगा। यह जनाब लीवर थोड़ा जरा नज़र आ रही है, अगर आदमी कला है ड्राइवर भाई कला है तो पिछे खड़ो तो लैंकों को ऑपरेट कर सकता है कोई उजार डालन लग्या। हूँ चलते हैं जनाब इनकी बैक साइड से, तो बैक साइड तो तुम देख लो दोस्तों, बैक साइड काफ़ी अलग लुक दे रही अपने लोकल ट्रैक्टर नालों और बहुत ही ज़बरदस्त हतात ट्रैक्टर के उत्ते
जनाब मोनोग्राम नज़र आ रही है, नाम लिखा हुआ नज़र आ रही है कनोपी के उत्ते। लैंकां जड़ियां ने हर दो लैंकां दे नाल अलग तो एक एक जड़ा ना पावर सिलेंडर दिता हुआ है, यानी कि प्रेशर सिलेंडर दिता हुआ है, जैक दिता हुआ है। टूपा जड़ियां ने वो काफ़ी मजबूत ने। ये मटीरियल बेच तो शक ही कोई नहीं ना, आपने मटीरियल जड़ा ना बहुत ही अच्छा है अपने लोकल ट्रैक्टर नालों। बाकी जनाब यह तुम लैंका दे नाल देख सकते हो, ये भी लिंक दे नाल प्रेशर सिलेंडर दिता हुआ और उस तरफ भी दिता हुआ है, ठीक हो गया जी। उस तो बाद जी इनकी हिच है वो स्टेटर के नाल मिली है, हिच भी इनकी डबल है, एक उतली हिच है, एक जनाब थले हिच हैगी, वो भाई हुरां मेरा ख्याल उतारी हुई है, और हिच भी जी है वह भी एडजस्ट हो सकती है, चाहे तुसी थले हिच नू कर लो तो चाहे तुसी हिच नू उत्ते कर लो, ठीक हो गया जी। यह थले वाली हिच भाई हुरी खोल के रखी हुई है। तो लैंका का जोड़ा मटीरियल है वह बड़ा तगड़ा है, बड़ा अच्छा मटीरियल लगा हुआ है। लिंकां का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है अपग्रेड। और उस तो बाद जनाब यह देख लो यह संभलियां आ गई जनाब पिछे जिंदे नाल प्रेशर कपल लगे हुए हैं और इलैक्ट्रिक कपल लगे हुए हैं। तो यह जनाब इस तरफ का सिलेंडर और लिंक और यह हिच के नाल लीवर जहाँ नज़र आ रहे हैं जिथों आप जड़ा ना हिच नूं एडजस्ट कर सकने हैं। वो लीवर तुहानूं दिखांदा चलां तो यह लीवर खड़े ने, इन्हों इंज नूं खिच के तो आप हाइड्रोलिक हिच नू थले कर सकने, उत्ते कर सकने, हिच जिथे एडजस्ट करने उन्हों कर सकने। तो इदा की कुछ इनकी मालूमात हैगी सी, अगर कोई गलती हो गई हो तो उनकी जनाब माजरत। ट्रैक्टर थोनू किदां दा लगा कमेंट सैक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। यह जनाब देख लो हुण तुसीं ट्रैक्टर दे इंजन की लुक, इंजन नू देख लो, इन दे विच आपां नू दो एयर क्लीनर मिलते हैं, ड्राई एयर क्लीनर इन दे विच आपां नू दो मिलते हैं, एक ड्राई एयर क्लीनर ए अगे खड़ा है जी, तो एक पिछे स्टेयरिंग दे अगे दिता हुआ है, इत्थे स्टेयरिंग दे अगे दिता हुआ है। इस जगह पर दो एयर क्लीनर इन ड्राई एयर क्लीनर मिलते हैं जी, और टर्बो प्लस इंटरकूलर अगे जनाब इन इंटरकूलर लगा हुआ है, रेडिएटर के अगे भी जाली लगी हुई भी गंद गुंद अगर बों बकर अगे आ जाता तो तुम वो जाली साफ करके तो दोबारा लगा सकते हो। बैल्ट जनाब दो दिते हुए है, एक बैल्ट टुट भी जाए तो ट्रैक्टर जनाब फैन रुके ना, ट्रैक्टर गर्म ना हो। तो ट्रैक्टर थानू किदां दा लगा कमेंट सैक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अगली वीडियो नाल मिलते हैं, थानू इनकी परफॉर्मेंस भी दिखावांगे मजीद। हताहत ट्रैक्टर 398 फोर सिलेंडर, ओके जी, रब राखा, अल्लाह निगेबान।